Hello everyone, hope you are doing well. I'm going to explain this question in this video. The question says, list the new Cartesian sign convention for reflection of light by spherical mirrors. हमें new rules Cartesian sign conventions बताना है. Draw a diagram and apply these conventions for calculating the focal length of and nature of a spherical mirror which forms 1/3 times magnified virtual image of an object placed 18 centimeters in front of it. हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है अप्लाई करते हुए साइन कन्वेंशंस और कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ जो कि इमेज फॉर्म करती है 1/3 टाइम्स वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करती है जब ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट लेट अस सी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फर्स्ट वन मेजरमेंट्स मस्ट बी डन फ्रॉम पोल. जब भी मेजरमेंट्स करते हैं रे डायग्राम्स में हमें पोल से मेजर करना है. सेकेंड वन ऑल द मेजरमेंट्स फ्रॉम पोल along the direction of light rays are positive. अगर मेजरमेंट कर रहे हैं पोल से लाइट रे के डायरेक्शन में सो पॉजिटिव होगा. ऑल द मेजरमेंट्स फ्रॉम पोल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस आर नेगेटिव. कब नेगेटिव हो गए वैल्यूज? जब मेजरमेंट करेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस. और फोर्थ पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इमेज एबो प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के एबो क्या करेंगे मेजरमेंट्स पॉजिटिव होंगे एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा नेगेटिव होगा. एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इट इज नेगेटिव. ये है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. नाउ हम इसे अप्लाई करते हैं डायग्राम्स के साथ. यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन लाइट रे का डायरेक्शन ये साइड है मेजरमेंट ये साइड हो रहा है फ्रॉम पोल से सो ये नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा. ओके नेक्स्ट फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं लाइट रेस के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं सो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा. और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस सो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा. इमेज डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा. सो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है फोकल लेंथ पॉजिटिव है रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है नेगेटिव है. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्निफिकेशन क्या है +1/3 है मैग्निफिकेशन और इमेज क्या है वर्चुअल है और कहा गया है कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है जिसका डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर्स सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा -18 सेंटीमीटर्स होगा. m इज इक्वल्स टू -v बाय u इज इक्वल्स टू 1/3
1/3 होगा। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस, v इज इक्वल्स टू u/3 लिख सकते हैं। u क्या है यहाँ पे, 18, माइनस 18/3 लिख सकते हैं। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं। सो माइनस वी इज इक्वल्स टू -6 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, देयरफॉर वी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये हमें क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया। नाउ अब हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो इसमें हम वैल्यूज अगर सब्सटूट करेंगे, 1/6 माइनस 1/18। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या होगा, 18 होगा, 6 3 18, न्यूमरेटर में 3 आएगा, माइनस 18 1 18, सो इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, 2/18 होगा। ये क्या है, 1/f है। अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो f क्या आएगा, 18/2 आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है, ये अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस मेजर किया जाएगा। कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर इज 9 सेंटीमीटर्स। यही हमें पूछा गया था कि हमें फाइंड आउट करना क्या था, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक।